है, उसके तीसरे दिन पर भारत ने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो हासिल कर ली है, एक कमांडिंग पोजीशन में भारत है और टीम इंडिया को सिर्फ 6 विकेट की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए, और बांग्लादेश को अभी भी 357 रन चाहिए भाई। मतलब बहुत बड़ा विशाल काय पहाड़ वाला स्कोर बांग्लादेश को बनाना पड़ेगा, बट उसके लिए उससे पहले बांग्लादेश को भारत के गेंदबाजों के सामने अटैक करना पड़ेगा और साथ ही साथ विकेट बचाकर भी अटैक करके भी, तब जाकर ये 357 बनेंगे। और इंडिया को क्या चाहिए, सिर्फ 6 विकेट, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट विकेट अभी क्रीज पर है, नजमुल हसन शंतो जो कप्तान है बांग्लादेश के और शाकिब अल हसन जो पूर्व कप्तान है, इन दोनों को आउट किया उसके बाद बांग्लादेश ढेर हो जाएगा। और आज शायद ये दोनों आउट हो सकते थे क्योंकि वहां पर जो बारिश के जो बादल हैं वो वहां पर छा गए थे, जिसके कारण जो लाइट्स है वहां पे बहुत डिम हो गई थी, जिसके चलते अंपायर ने 9 ओवर पहले, 9 या 10 ओवर और फेंके जाने थे, उससे पहले स्टंप्स कर दिया, मतलब आज के दिन का खेल खत्म कर दिया कि भैया अब आगे खेल नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट्स यहाँ पर बहुत कम है, जिसके चलते हम जो खेल है कल रिज्यूम करेंगे। तो कल हो सकता है कि 10 ओवर एक्स्ट्रा फेंके जाए अगर पूरा दिन का खेल होता है। पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश क्या पूरा दिन भारत के गेंदबाजों के सामने सर्वाइव कर पाएगी, जैसे कि सामने बुमराह है, सिराज है, आकाशदीप है, जड्डू है, अश्विन है, यार ऐसे 5 तगड़े गेंदबाज हैं जो बांग्लादेश को नेस्ता नाबूद करने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो आज के दिन का क्या क्या रिव्यू रहा, किस तरह से पूरा जो स्कोर कार्ड चला उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो सारी जानकारी मिलती रहे। तो अगर आज के दिन की बात करें तो देखो, कल जब तीसरा दिन, मतलब दूसरा दिन जब कल खत्म हुआ था तो वहां पे ऋषभ पंत और शुभमन गिल नाबाद थे और भारत 81 रन पर 3 विकेट के साथ अपनी लीड को ऑलरेडी 300 क्रॉस कर चुका था। फिर इसके बाद जब आज का दिन शुरू हुआ तो यहाँ पे जिस तरह से ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की भैया, मतलब कमर तोड़ के रख दी भाई, कमर तोड़ के रख दी तगड़े तरीके से, जिस तरह से मतलब मार मारी है लिटरली, मतलब ऐसा लग रहा था कि भैया 119 रन 176 गेंदों में शुभमन गिल 10 चौके 4 छक्के 67 का स्ट्राइक रेट, ऋषभ पंत 109 रन 128 गेंदों में 13 चौके 4 छक्के और स्ट्राइक रेट है भाई साहब का 85। उसके बाद राहुल आते वो भी अच्छा खेलते, 22 रन 19 गेंदों में 4 चौके, एक अच्छी कॉन्फिडेंस वाली पारी थी राहुल की ताकि इनको आगे के मैच में बूस्ट अप मिल जाए, मोराल जो है बूस्ट हो जाए। तो इसके चलते भारत ने 287 बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, और वहां पर डिक्लेयर कर दिया रोहित शर्मा ने, बोला कि आ जाओ अब बांग्लादेश को मजा चखाते हैं और उनके मजे लेते हैं। तो 64 ओवर खेलकर भारत ने 287 पर 4 बनाए और डिक्लेयर कर दिया। और इस जो इस पारी की जो हीरो रहे ना वो थे ऋषभ पंत और शुभमन गिल, क्योंकि इन दोनों का अगर शतक नहीं आता, इनकी वो पार्टनरशिप अगर नहीं आती तो भैया फिर काम जो है भारत का थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। हालांकि भारत जीतता मैच को बट फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता क्योंकि भारत टफ सिचुएशन में फंस गया था, 81 पर 3 ऑलरेडी था। तो इसीलिए पंत और गिल की जो पारी है बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके चलते फिर बांग्लादेश को कितना टारगेट मिला, बांग्लादेश को मिला 516 रन भाई साहब, 516 रन बनाने हैं और 2 दिन 2.5 दिन शेष है, मतलब आज का दिन आधा दिन उनके पास था और 2 दिन कल और परसों के, तो 2.5 दिन में बांग्लादेश को 500 रन लगभग, मतलब 516 रन बनाने हैं और उसमें ऑलरेडी उनके 4 विकेट गिर चुके हैं। तो इस तरह से इंडिया ने मतलब अब तक पूरा जो शिकंजा है वो कस के रखा है। और अभी अगर बांग्लादेश की बात करें, स्टार्टिंग बहुत अच्छी की थी नो डाउट, जाकिर हसन और शादमान इस्लाम ने दोनों ने अटैकिंग क्रिकेट खेला और जो टी ब्रेक तक तो विकेट ही नहीं गिनने दिया, मतलब एक सेशन लगभग, एक क्या आधा सेशन लगभग विकेट गिनने ही नहीं दिया भाई साहब ने, दोनों ने अटैक करा, जाकिर हसन ने 33 मारे, शादमान इस्लाम ने 35 मारे और दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की। और वहां पर जब ब्रेक थ्रू मिला, जब जसप्रीत बुमराह ने वो बॉल डाली और यशस्वी जायसवाल को वो ब्लाइंडर कैच आया था, तगड़ा कैच आया था, जिस तरीके से उन्होंने शायद गली में या थर्ड स्लिप या फोर्थ स्लिप पे उन्होंने कैच लिया, मेरे ख्याल से या पॉइंट साइड पे कैच लिया था, कमाल का कैच था भाई जाकिर हसन का। और उसके बाद फिर भारत ने बांग्लादेश पर फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद शादमान इस्लाम आउट हुए, अश्विन की गेंद पर शुभमन गिल का एक अच्छा कैच था। फिर उसके बाद कप्तान नजमुल हसन शंटू, ये अब तक बने हुए हैं, 51 रन बनाए हैं, नाबाद है, 60 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के, अच्छी अटैकिंग पारी खेल रहे हैं, तो इनकी बदौलत अभी भी बांग्लादेश कोलैप्स रोकने में सक्षम हो गया। उसके बाद मोमिनुल हक आए, इनकी भी बल्लेबाजी नहीं चली, इनको अश्विन ने क्लीन बोल्ड मार दिया। उसके बाद आए मुशफिकुर रहीम जो पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज है, अब तो विकेटकीपिंग नहीं करते वो,